अभी भाई साहब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और ये माइक भी भाई साहब के सामने रहेगा, तो मीडिया से जो बात भाई साहब कह रहे हैं वो सारा आपको सुनेगा। सभी से निवेदन है, उसके बाद में सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का उद्बोधन होगा। आप इनको पकड़ा लो, आगे पकड़ा दो, आगे होगा, इसलिए आप शांति बनाए रखें, बैठे आराम से। बड़ा है इस साइड आओ, आप इस साइड आओ, यहाँ से ढंग से बन जाएगा, सामने आ जाओ, यहाँ यहाँ इधर से भाई, इधर से भाई कैमरा आ जाओ, आप लोग आ जाओ, अरे आ जाओ, कैमरा पीछे कर दो, वीडियो सही है भाई, भाई 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 जोर मत लगा यार, भाई जी कैमरा यार पीछे हो जाना यार, पीछे हो जाना यार, अकेले आज हमारा कूच ऐतिहासिक कूच है, 12,15,000 किसान जवानों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर आया था और उस समय देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि थोड़ा सा समय दो, हम भी किसानों को लेकर चिंतित हैं। तब मैंने आंदोलन को 7 दिन के लिए डेफर कर दिया था, करके जूम कर ले, सही आ जाएगा, लाइव भी कर ले तो सही आ जाएगा। पूरे राजस्थान की हमारे पदाधिकारी विधायक और सारी प्रदेश कार्यक्रम टीम सब ने ये कि हमें 26 तारीख को दिल्ली कूच करना है, लाखों की तादाद में आना है और ये लाखों की तादाद अभी देखते ही देखते हो जाएगी। ये अभी बिखरे हुए सारे हाईवे पे गाड़ियों पर इधर उधर बैठे हैं, जो जो शाम ढलेगी जो जो तादाद और हो जाएगी, क्योंकि 1200-1300-1400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। ये जो देश में बात चल रही थी कि राजस्थान में कृषि बिलों का विरोध नहीं है, ये साबित करता है कि राजस्थान भी तीनों कृषि बिलों का विरोध करता है। ये काले कानून है, इन्हें वापस लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपनी जीत छोड़नी चाहिए। एनडीए परिवार के मेंबर होने के नाते पहले शिवसेना चली गई, फिर अकाली दल चला गया और अब मुझे लग रहा है तीसरी बारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जाने की आ गई है। अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे, किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे बचेगा। किसान के बेटे देश की सरहदों पे सीने पे गोलियां खाके शहादत देके भारत माता की रक्षा करते हैं और कड़कड़ाती ठंड के देश का किसान उसे पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान नहीं बांट सकते, दिल्ली में नहीं बांट सकते। किसान की कोई कौम नहीं, जो खेती करता है वो किसान है, वो 36 कौम किसान है। प्रधानमंत्री जी को जिद छोड़ के जब अमेंडमेंट को तैयार है, तीनों कृषि बिल वापिस लेने चाहिए और करना तो ये चाहिए, जब धारा 370 हटा सकते हैं, इतना बड़ा निर्णय कर सकते हैं, तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि किसी एक्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज हम सब बात करके हमें कूच किस हिसाब से करना है, एनडीए में रहना या नहीं रहना, ये निर्णय आज थोड़ी देर के अंदर हम आपको बता दें। बेनिवाल जी किसान आंदोलन को कुछ लोग आ गया, तभी तो मैं सड़क पर आ गया। बेनिवाल जी किसान आंदोलन कुछ लोग बोल रहे खालिस्तानी है, आतंकवादी, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए अगर किसान आंदोलन के बारे में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि खालिस्तानी, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए किसी भी नेता को, और अगर कोई खालिस्तानी आ जाए, कोई बदमाश आ जाए तो किसी भी उसमें आंदोलन के अंदर आ सकता, तो इंटेलिजेंस ही क्या कर रही है, पकड़े उन लोगों को, तो आईबी का काम है, सेंट्रल आईबी का, स्टेट आईबी का। ये जो बैठे हुए हैं सब किसान है, हो सकता है कि कई अलग अलग संगठनों के नाम से कर रहे होंगे, कई जगह मैंने सुना कि नेता नहीं कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ किसान संगठन ही कर रहे हैं। मैं तो इस आंदोलन जब शुरू हुआ था, ये सही है पंजाब से शुरू हुआ था, बाद में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान और अब राजस्थान का किसान भी, कोई ये नहीं कह रहा है कि अब राजस्थान का किसान नहीं, लाखों राजस्थान के किसानों ने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया और उन जवानों को और किसानों को जिनको हमारी आवश्यकता थी, आज ये संदेश पूरे देश के अंदर दे दिया कि राजस्थान भी हरियाणा पंजाब का बड़ा भाई है, यहाँ के लड़ाके भी कम नहीं है। जब भी सीमाओं पर आवश्यकता पड़ी, राजस्थान के किसान के बेटों ने शहादत दी, सुरमाओं की धरती है, तेजाजी महाराज की धरती है, राम साहब पीर और भक्त शिरोमणि मेरा भाई की और देवनारायण भगवान की धरती है, यहाँ कमजोर नहीं है। अगर रण छिड़ गया तो राजस्थान पीछे नहीं रहेगा और हनुमान बेनीवाल यह आपको बता देगा कि जो कहता है
वो करता है, तीनों बिल अगर वापिस नहीं लिए और किसान संगठनों की बात सरकार ने नहीं रखी, तो फिर आपको कह रहा हूँ कि आंदोलन की शुरुआत किसान संगठनों ने पंजाब से की थी और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं लोकसभा में उस दिन होता तो अकाली दल ने जैसा विरोध किया वैसा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी विरोध करती, लेकिन कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा के अंदर एंट्री नहीं दी थी और जैसे मैं बाहर आया मैंने किसान आंदोलन को पुरजोर समर्थन दिया। कई लोग ये भी कह रहे होंगे, अब ये तो किसी के पेट में दर्द हो जाता है कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, ये तो हम तो किसानों को समर्थन देने आ रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं आ रहे। चूंकि पंचायत चुनाव थे राजस्थान के अंदर, लेकिन हनुमान बेनीवाल 25-30 दिन तक पंचायत चुनाव में अकेला व्यक्ति हूँ, नई पार्टी बनाई है, 17 जगह चुनाव लड़े उम्मीदवारों को, वहाँ बीजी था और 11 तारीख को जैसे ही चुनाव संपन्न हुए सोशल मीडिया पर हम किसानों के लगातार समर्थन दे रहे थे। हमारे भाई लगातार ये जो किसान आगे प्रोटेस्ट करें इनके साथ हमारे भाई आरएलपी का आके रोज कहीं कहीं हर जगह बैठ भी रहे, किसान आ भी रहे, किसान की कोई जाति भी नहीं होती, कोई पार्टियां भी नहीं होती। लेकिन भाइयों मैं लगातार हर 12 तारीख का मैंने ऐलान किया, 12 को कूच किया और आज 26 का ऐलान है, कूच आपके सामने। बड़ा आज जो भी होगा बहुत बड़ा होगा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी आज ये समझ लें कि राजस्थान का किसान भी सड़कों पे, दिल्ली का सड़कों पे, जो दिल्ली 7 सीट दे सकते हैं, 71 उत्तर प्रदेश, 25 राजस्थान और 10 हरियाणा। इन भाइयों को गले लगाओ, इस आंदोलन को समाप्त कराओ, प्रधानमंत्री जी पूरी मांगे किसानों की मानो और आशीर्वाद किसानों को लो, ये मैं एनडीए परिवार के अंदर होने के नाते उनसे अपील करता हूँ। बेनीवाल जी आपको लग रहा है कि सरकार इसको इवेंट की तरह बना रही है तो वापस ले सकती है? क्यों नहीं लेगी वापस, लेना ही पड़ेगा, इससे फायदा क्या सरकार को मुझे बताओ। इससे ना तो ये तो ऐसा हुआ कि आनंद फान में बिल लेके कोई सांप जिंदा सांप को गले में डाल लो, फिर क्या होगा? सरकार बिल वापस नहीं लेती तो इसी समय आपका क्या कदम? मेरा तो कदम दिख रहा है ना, वैसे ही रहेंगे हमेशा कदम, पहले वैसे रहे आगे भी रहे। अब आप मेरी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो मैं साथ नहीं रहूंगा। अभी एक बार यहाँ आया हूँ, अभी तो आपकी बाइट ही चल रही सब जगह रोक रोक के, अभी तो हमारे रणनीति तो चालू होगी ना, कुछ किसान नेता प्रमुख बोलेंगे, विधायक बात करेंगे, फिर मैं भी बात कहूंगा, मेरी सबकी सलाह लेके जो हजारों लाखों की तादाद के अंदर आ रहे हैं, एक बार वेट भी कर रहे हैं आधा घंटा एक घंटा तक, पूरी संख्या आ जाएगी। सर दिल्ली कूच या पड़ाओ, सबकी जो इच्छा होगी वो हनुमान बेनीवाल। सर दिल्ली कूच या पड़ाओ, एक तो होगा ही। बेनीवाल जी कल किसानों का बैरिकेड तोड़ के हरियाणा जाने का प्लान था आगे दिल्ली की तरफ, तो नहीं जा पाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे पूरी जानकारी नहीं इस मामले। अच्छा, मेरा तो आज का था तो आ गया मैं ना। थैंक यू, ठीक है, ओके, थैंक यू।